गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज नितिन गुप्ता। मैं आप लोगों को BHU एंट्रेंस एग्जाम क्लास 11 के लिए और उसका सिलेबस आज डिस्कस करूंगा और मैथमेटिक्स का जितना भी पोर्शन होगा सब मैं एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे 10 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर और आपका जितना भी कंटेंट है सब मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आज का हम लोग का मैथ का सिलेबस क्या रहेगा वो आप लोग देख लीजिए। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग पॉलिनोमियल्स, तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पांचवा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल। सब इजी टॉपिक है, आप लोग बस ध्यान से पढ़ते जाइएगा, हर एक चैप्टर मैं कवर करूंगा और आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें बताइएगा। आप बस आप लोग वीडियो लेक्चर देखिए, आप लोग का एग्जाम चुटकियों में निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। बस आप रोज हम लोग का क्लास अटेंड करिए और सपोर्ट दीजिए, अभी हम लोग नए हैं, ठीक है ना। तो पांच चैप्टर हुआ हमारा, छठवां चैप्टर रहेगा लाइंस एंड एंगल्स, छठवां चैप्टर आपका रहेगा ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स तो आप लोग जानते ही होंगे, इसमें आपको सिमिलरिटी पढ़नी होगी, कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी होगी। शॉर्ट ट्रिक आप जानिए, आपको एग्जाम मतलब आपको एग्जाम देना है, कम टाइम रहेगा, आपको हम लोग ट्रिक बताएंगे, उससे आप लोग सॉल्व करेंगे। आपको प्रूफ किसी चीज का नहीं मिलेगा, आपको बस क्वेश्चन मिलेंगे, उसका सोल्यूशन मिलेगा और कितनी जल्दी हम उसको सॉल्व करें ये हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल के बाद आप लोग लिखिएगा क्वाड्रिलेटरल, ये दिया पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, नौवां चैप्टर आप लोगों का रहेगा नौवां चैप्टर सर्कल। सर्कल तो आप लोग जानते ही हैं, कुछ नहीं है, सर्कमफेरेंस से रिलेटेड पूछेगा, टेंजेंट पूछेगा और रेडियस डायमीटर, ये सब सर्कल में ज्यादा कुछ आपसे पूछेगा नहीं। तो उसके बाद हीरोंस फार्मूला, हीरोंस फार्मूला हम लोग यूज करते हैं ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए, ठीक है, कुछ होता नहीं है लेकिन आपके एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो और इसके बाद आपका सरफेस एरिया एंड वैल्यूम, सरफेस एरिया वैल्यूम एंड वॉल्यूम, और आपका लास्ट में चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी आपका लास्ट चैप्टर है क्लास 9, ठीक है। फिर 12th एक चैप्टर और आपका आता है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये तो सारे जो चैप्टर है क्लास 9th के, लेकिन इसमें से कुछ चैप्टर जो है कॉमन है जो आपको 10th में भी पढ़ने होते हैं, जैसे कि वो चैप्टर आपका पॉलिनोमियल है। नंबर सिस्टम में एक थोड़ा सा आगे इसके बढ़ेंगे तो हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे 10th में रियल नंबर, क्या पढ़ेंगे रियल नंबर, ठीक। और ये देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल भी आपको 10th में मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी भी आपको 10th में मिल जाएगी, थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एकदम सेम मिलेगा, ठीक। और आपका सर्कल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल 10th में, लेकिन वो आपको पूछेगा नहीं क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो सर्कल आपको मिल गया, ठीक। उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें बढ़ेगा, ठीक है ना, आपका 14th चैप्टर इसमें बढ़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। लीनियर इक्वेशन तो आप पढ़ चुके हैं, इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी पावर क्या हो स्क्वायर रूट 2 हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हाँ, एक बहुत बहुत अच्छा बहुत सुंदर चैप्टर इसमें इंट्रोड्यूस होगा जिसका नाम होगा ट्रिग्नोमेट्री, क्या नाम होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके बाद देखा आपको जो हम बता रहे सबसे अच्छा चैप्टर आएगा वो क्या आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री, 15th चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री में क्या आएगा इसके बाद, इसमें एक छोटा सा एक सब टॉपिक होता है, इसी में आता है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस से, ठीक। और एक चैप्टर आपका आता है 16th चैप्टर,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसको कहते हैं, प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इतना चैप्टर आपको पढ़ना। एपी में आपको जीपी भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोडक्ट प्रोग्रेशन, ठीक है ना, नहीं जीपी नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही तक आपको पढ़ना, एक सीरीज होती है इसमें, और कुछ होता नहीं, मतलब आपको कुल मिलाकर 16 चैप्टर पढ़ना है, ठीक। 16 चैप्टर को हम लोग विधिवत तरीके से पढ़ेंगे, आप लोगों को पता है इस समय लॉकडाउन चल रहा है, कहीं भी क्लासेस नहीं मिलेंगे आप लोगों को, तो आप लोग हमें फॉलो करिए, हम आपको मैथ का हर एक चैप्टर, फुल सोल्यूशन एनसीईआरटी का विद 10 ईयर बीएचयू का लगा के आपको देंगे, ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।